Hey guys, what's up? Welcome to my new vlog. तो भाई आज हम जा रहे हैं अपने पुराने सज्जन मित्र से काफी टाइम बाद मिलने। मतलब वैसे तो मैं बीच में आए यार, रुक जाए यार, वैसे तो मैं बीच में एक दो बार मिला था, लेकिन व्लॉग में हम काफी टाइम बाद मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं अभी कहीं घूमने। पहले फटाफट से गाड़ी में बैठे थे क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। एक तो वैसे ही मैं ना आज लेट हो गया हूँ निकलने में, क्योंकि 11 बजे का हमारा प्लान था कि 11 बजे हम घर से निकल जाएंगे और अभी टाइम हो गया 11:52। तो मेरे को गाड़ियाँ तो पड़ने वाले जरूर, लेकिन ऊपर से यार देखो निकलते बाद में मैं ना जाम पहले ही मिल जाता है, तो अभी जाम से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि ना जाम भाई ये तो गर्मी इतनी है। और गाड़ी अगर रेगुलर चलती नहीं है ना तो उसकी वजह से गाड़ी ठंडी भी जल्दी नहीं होती है। अगर रेगुलर गाड़ी चलती रहे ना तो उसकी वजह से गाड़ी ठंडी जल्दी रहती है, लेकिन अभी गाड़ी ठंडी हो भी नहीं पाती। तो जो व्लॉग है ना वो मेरे को एसी बंद करके बनाना पड़ता है, क्योंकि ना अगर पीछे एसी चला था तो माइक में आवाज फर 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 आती है, तो इसलिए फिर मजा से नहीं आता ना, इसलिए एसी बंद करके बनाना पड़ता है यार व्लॉग। अली अपनी मेरे को शुरू हो गई, मेरे को ना पापा फोन आई जा रहे कि कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा, जबकि है उसका घर मेरे घर से 5 मिनट का दूर, लेकिन फिर भी जाम के चक्कर में मेरे को 10-15 मिनट आराम से लगने हैं। अभी भी मेरे को 5-10 मिनट हो गए निकले हुए, लेकिन फिर भी अभी भी 10-15 मिनट और लगने, क्योंकि इतना गंदा जाम है, गाड़ियां हिल के राजी नहीं है, बस ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलते हैं, घिसड़ घिसड़ के। जिंदगी में पहली बार भाई नीचे खड़ी हुई मिली है मेरे को ये। अबे चल, मुझे क्यों डरा रहा है यार भाई। सो फाइनली हम जिससे मिलने आ रहे थे अभी अभी देखो अभी तो सिर्फ यही मिली हमें अभी, बाकी आप मुझे जानते हो गाइस, as you already know, इसको ना हम काफी अरसों बाद व्लॉग में मिले हैं। क्यों? क्योंकि ये मैडम जो है ना बात बात पे बीमार हो जाती है। पहले एसी यार थोड़ा सा चला लेते हैं क्योंकि ना गर्मी बहुत ज्यादा है यार। ये मैडम ना बात बात पे बीमार हो जाती है, तो अभी ये हफ्ता आई गेस हॉस्पिटल में काट के आई है ना। तो ये देखो टाइटल मिल गया, टाइटल मेरा दोस्त गया हॉस्पिटल है। मैं थोड़ा सा ना वो भी दे दूंगी, क्लिप्स है मेरे पास जो मेरी बहन ने शूट करी है मेरे हॉस्पिटल में रहते। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, बंदा हॉस्पिटल में बैठा और व्लॉग बना रहे हैं। मतलब ये भाई साहब, मैं चलो आपको एक और खबर दे दूं कि मैडम ने अपनी व्लॉगिंग चैनल खोला है ना, तो जाके इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम बता, खुशी जाम JHMB है मेरा सरनेम, प्लीज अच्छे से सब्सक्राइब करो। मेरे फर्स्ट शॉट पे व्यूज भी आ गए हैं। मैंने कल रात को 3 बजे गगन को कॉल करके बताया मेरे व्यूज आ गए, मेरे व्यूज आ गए। गगन मेरा 2 बजे किया था, 3 बजे 3 बज रहे थे, नहीं 3 बज रहे थे, 2 बज रहे थे मैडम। चलो जितने भी बज रहे थे हमें क्या है ना, बाकी अब हम जा रहे हैं नोएडा ग्लूड, बाकी सारे वहाँ पे पहुंच गए। पहले उन्होंने हमारे साथ जाना था, लेकिन सबको पता नहीं क्या है, अपने आप जल्दी पहुंच गए। मैंने गगन को सरप्राइज दिया ये बता के कि सिर्फ 5 लोगों के लिए 3 गाड़ियां जा रही है। गाइस हमारी रिचनेस है, तुम मेरे दोस्तों की रिचनेस नहीं जानता। अभी मिलके दिखाऊंगी तुम्हें, रिचनेस ही रिचनेस दिखेगी तुम्हें। एक बंदा 9 बजे निकल गया अपनी गाड़ी से, काम था मुझे, इतने डिटेल नहीं बताएंगे हम क्योंकि इसने अपने व्लॉग में भी सेम बताया। हाँ। मैं ये बता देता कि हम जा रहे हैं ग्लूड में, पहले भी 2-3 बार वहाँ पे गया हूँ, लेकिन आप ये कह रहे थे कि इसने भी जाना है, तो गई है पहले? 2 बार पहले जा चुकी है। चलो कोई नहीं, लेकिन ना मेरे को यहाँ पे जाना मतलब सही लगता है, क्योंकि ना बाकी जगहों से सस्ता भी है। मतलब आई गेस 600 रुपए लगते हैं, 600-700 रुपए लगते हैं, इतने लगते हैं, नहीं उसमें सारी वो नहीं होती, 600-700 रुपए आपके लगते हैं, ठीक है। और उसमें आप अनलिमिटेड गेम्स खेलो, सुबह 10 बजे पहुंचो और रात के 12 बजे तक खेलते ही रहो, तो इसलिए ये मेरे को सस्ता भी लगता है। और अगर आपने टाइम पास करने का, ये आपको जगह समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे जाना है, तो इससे अच्छा नोएडा में है ग्लूड, वहाँ चले जाओ। यहाँ पे ना अभी हमें एक बीटी मिली, बीटी क्या मिलेगी, पहले जो प्राइस था ग्लूड में पर पर्सन का 400 या 600 रुपए था, लेकिन हमारा एक दोस्त वहाँ पे पहुंच गया था, वो कह रहा है उन्होंने 800 रुपए कर दिया है। तो अभी जाके पता लगता है कि 800 रुपए है या फिर क्या सिस्टम है, क्योंकि जहाँ मैं लास्ट टाइम गया था 2 महीने पहले तो 600 रुपए था, और ये कह रहे कि 400 रुपए था, वहाँ पे जाके पता लगेगा। मैं 600 में गया हूँ, मैं जितनी बार भी गया 600 में गया हूँ, वहां जाके पता लगेगा कि 600 रुपए है या 800 रुपए या 400 रुपए क्या है। सारे हम ग्लूड पहुंच गया, अपना यहाँ पूछते कि क्या रेट वगैरह फाइनल इन्होंने बढ़ाए हैं या उतने ही रेट में हमारा काम हो रहा है। अरे मैं डाउन टू अर्थ इसलिए लाइन में लगा हूं, नहीं तो मैं अपने यूट्यूब की स्कीम लगा के आगे चले जाता। बाकी भाई सही में भी मत मानो इसकी बात है। अच्छा मेरे को लगा जब भी पानी आ रही है, इतना अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा हुआ भाई। यहाँ पे हमारी जो बीटी है, जो हमारी बीटी सच्ची हो गई है, मतलब जो टिकट पहले 600 रुपए की थी, सिर्फ मेरा व्लॉग देखो, जो 600 रुपए की थी वो 800 रुपए की हो गई है। बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय तो करना ही है। कार्ड हमने ले लिया, 800 रुपए का कार्ड हमने बड़ा कार्ड घुमा दिया है। मोबिन इसका कार्ड तेरे पास है, घुमा दिया। प्रैंक कर दिया, प्रैंक कर दिया। अरे हाय गाइस, ये कट कर देना चाहिए, तो तेरे को कंटेंट दे रही हूँ।
वही तो अभी हम जा रहे हो बॉलिंग वगैरह पे नाम लिखवाए थे क्योंकि ना आज बर्थडे पार्टी है यहाँ पे तो वेटिंग वगैरह काफी है, तो बॉलिंग पे भी नाम लिखवाए थे और नीचे क्रिकेट पे भी नाम लिखवा देते हैं। हम सिखाते हैं आपको कि बॉलिंग कैसे, और अगर नहीं किया ना बहुत गंदी बेइज्जती होगी, बहुत गंदी बेइज्जती होगी। नहीं जाएगा कराली बेइज्जती। मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। चल भाई अगर चला गया तो भाई कुछ होने नहीं वाला। जीजी बैक। पार्थ ने अभी फुल मारा है, फुल नहीं मारा, स्ट्राइक मारी है, फुल मारा, स्ट्राइक, सेम थिंग गाइस। नहीं हो पा रहा, जैसे ही कैमरा आता है ना गगन हग देता है, जैसे ही कैमरा आता है गगन हग देता है। गगन ने पहले भी 0-0 पे किया है, अब मैं देखना चाहती हूँ अब क्या करेगा। प्लीज गो अहेड, चीयर्स। बेइज्जती मत कराइयो मेरी, जल्दी कर दे। गगन नहीं ले रहे, ये BTS हो गए थोड़े से। गई गई, दो बजे। जीजी इज गोइंग गुड नाउ, गुड गुड स्कोर जीजी, गुड स्कोर जीजी। गिफ्ट मिला है, गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आए आए, तो भाई बॉलिंग हम कराए, अब हम जा रहे क्रिकेट खेलने। सबसे पहले बारी मेरी है, ताकि ये मैडम कह रही कि अगर बॉल तेज आ रही है तो एक बार हमें दिखा दो, है ना, तो इसलिए हम जा रहे पहले। मुंह पे नहीं पड़नी चाहिए बच्चों को, हटाओ। अबे भाई ईशान शर्मा बॉल कराते हुए और हमारे मोबिन भाई को बॉल ही नहीं दिख रही। पूरा ओवर खाली, मशीन खराब कर दी गई। मुझे क्यों डराता है तू? इतना कम, अच्छा डबल काउंट होता है। ये दोनों काउंट होके आता है। सेम हमारी हो गई है बहुत, तो अब हमारे ना पेट भी गेम मांग रहा थोड़ा, तो इसलिए हम कुछ खाने लगे। बर्गर वगैरह आया, बर्गर कंपनी आया है, ऐसे बर्गर शर्गर लेते हैं। अबे एक ही बात है, तो बर्गर कंपनी है वो, उधर देख, उधर देख, शट अप भाई। तो हम आए तो बर्गर कंपनी, यहाँ से एक बर्गर बुर्गर ले लेते हैं, फिर वापसी अपनी गेम शेम चालू करते हैं। खाने का हमने ऑर्डर कर दिया, जब तक खाना तैयार होता है इतनी देर हम खेल रहे हैं पूल। पहले इन दोनों ने मैच लगा लिया, कौन आ रहा, पार्थ आ रहा, तो अब इसलिए वो मेरे साथ लगा रहा है। पूल में जा के वापसी आ रही है। पहले अच्छा खासा मैं हार रहा था, लेकिन मेरे को आदत है आखिरी में बाजी मारने की, तो इसलिए हम आखिरी में जीत गए। अब दोबारा हम लगा रहे हैं, पहले पार से हम जीते हैं, अब हम मोबिन से मैच लगा रहे हैं। अब मैं आया हूँ VR गेम एक्सपीरियंस करने, यहाँ पे VR गेम है, ठीक है। जोम्बीज वगैरह को मारने वाली है ना भैया, जोम्बीज को मारना है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं VR गेम। आई बॉक्सिंग लगा रहे हैं, तू ये रही भाई, ये रही बस सीधे भाई। ब्लॉगर की लाइफ कुछ ऐसी होती है। कर क्या रहा है ये? कार्ड
भाई मजा आ गया खेल के, बहुत बवाल चीज है भाई ये। जिसने भी आ रहा ना भाई वीआर गेम ट्राई करो, सच्ची मजा आ गया। सारे ना अलग अलग गेम खेल रहे हैं, तो मैंने दोबारा भैया को बोल दिया एक और वीआर गेम लगा दो, क्योंकि मेरे पास ना दो वीआर गेम अवेलेबल है, तो इसलिए हम इस पे खेल रहे हैं। अब ज़ॉम्बी वाला, ज़ॉम्बी को मारने वाली गेम खेल रहे हैं भाई सच्ची। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, सच्ची बड़ा मजा आया भाई, पसीने पसीन हो गया लेकिन मजा आया। मैं तो दोनों गेम खेल ली, बॉक्सिंग भी खेल ली और ज़ॉम्बीज को मारने वाली भी खेल रही। अब मोबिन खेल रहा है, फिर इससे एक्सपीरियंस पूछते कि इसका क्या एक्सपीरियंस है। तो फाइनली गेम शेम खेल के हम निकल चुके हैं भाई साहब। अरे एसी बंद करे यार, मोड ऑन ऑफ करता है ना तू एक वीडियो के चक्कर में। अरे भाई व्हीकल इज रनिंग ऑन लो फ्यूल, तेरी गाड़ी भी बोल रही है। ये नहीं बोलना था, ये चीज है ना व्लॉग में नहीं बोलते। हां ये नहीं बताना था कि हमारे पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है तेल डलवाने के, है ना। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अमर कॉलोनी, हमारी गेम शेम खेल के हम निकल गए हैं। 4:15 हो गए हैं, अब भूख वगैरह लगी है और थोड़ी गर्मी वगैरह ना, तो अंदर ठंडक चाहिए, तो इसलिए कॉफी शॉफी पियेंगे जाके। बाकी ये शुक्र है हमारी गाड़ी में ना एक फीचर है कि आप अपनी गाड़ी को अपने फोन से चालू कर दो, आपकी गाड़ी का एसी वगैरह चालू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे आने से ना 5-10 मिनट पहले गाड़ी चालू कर दी, ताकि हमारी गाड़ी अंदर से ठंडी हो जाए। मेरे को मैंने दरवाजा खोला, मैं डर गई, मैंने कहा शिट यार दरवाजा में तो सीट गर्म मिलेगी। कहता नहीं देख, मैंने कहा हम बट्टी है, गाड़ी बट्टी नहीं है, महंगी गाड़ी है, 3 लाख रुपया खर्चे है। मैं हम आ गए अमर कॉलोनी, हमारी कॉफी तैयार हो रही है। मैंने तो बोला ही मुझे पीना था, जो मर्जी पी, हमारा कंफर्म है कॉफी पियेंगे विदाउट शुगर। यहाँ पे एक गड्ढा है जो हम अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्सप्लोर गगन को करना है कह रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे गड्ढा मिले और मैं जाकर उसके अंदर अपनी गाड़ी डालूं। डालूं क्या मतलब, कंटेंट गाइस, कंटेंट, तालियां तालियां तालियां, गाड़ी फंसे। गगन अगर मेरी जान जोखिम में आई, भगवान कसम, ये देखो कैसी रगड़ना निकाल दी, निकाल दी। अभी ना हम अमर कॉलोनी की तरफ थे, थोड़ा ऐसे घूम रहे थे, कैसे देखो मेरे से शेख खत्म नहीं हो रहा। आए हाय, मैं मेन इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, तो हमें मिला एक गड्ढा और वो गड्ढा था भी नहीं, कुछ हाइप बना रखी भाई लोगों ने, रास्ता बंद कर दिया भाई, हाइप नहीं था वो, बहुत बढ़िया गड्ढा था, बस वो था कि हमने हटवाया वहाँ से, वो बैरिकेडिंग हटा, सारे मना कर रहे थे कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। और मेरे को चाहिए ऐसी कुछ चीजें, मैं तो सोच रहा था कि फंस जाएगा तो व्लॉग में कंटेंट मिल जाएगा मेरे को, मेरी गाड़ी फंस गई। व्लॉग में की कंटेंट के लिए करेगा, थंबनेल लगाएगा। देखो कंटेंट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अपनी गाड़ी पे भरोसा है। आई लव माय कार, आई बिलीव माय कार, है ना, आई बिलीव इन माय कार, आई बिलीव इन माय कार, है ना। तो इसलिए हमें पता था कि हमारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल आराम से निकली है। सारे लोग आसपास कहते हैं अरे भाई साहब मत जाओ, गाड़ी फट जाएगी, गाड़ी फट जाएगी। मैं ऐसे कैसे फट जाएगी, हमारी गाड़ी है। बाय बाय बाय, दफा हो, निकलो, निकलना, अब फुटेज ले रही है, अपने में भी फुटेज लेगी, यहाँ भी फुटेज ले रही है, हाँ निकलो। सनफ्लावर दिला दे, चल चल चल, सनफ्लावर दिला दे, अभी सन तो बाहर है। ओके बाय 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 बाय, सबको बाय बाय करके अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और मैं एक और चीज बता दूं कि वहाँ पे जो गड्ढा था ना यार, वहाँ पे गड्ढा इतना कुछ खास बड़ा नहीं था, मेरे को पता था कि मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ना यार उसके चक्कर में हमें पूरा घूम के जाना पड़ता, वापसी रिवर्स लेके जाना पड़ता, फिर लेके जाना पड़ता रॉन्ग साइड, तो इसलिए मेरे को पता था मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो आराम से हमने अपनी गाड़ी निकाल ली, कोई दिक्कत हुई नहीं है। और बाकी अब चलते घर पे, फिर देखते हैं कि क्या प्लान्स हैं। घूम फिर के फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, और आज के दिन की हम समाप्ति करते हैं यहीं पे, मतलब कि हमारा दिन अभी चल रहा है, लेकिन ब्लॉग की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।